रीट भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से विवादित हुआ, जिस तरीके से विवाद हुआ, पेपर लीक के जो सामने आया मुद्दा, उसके बाद कहीं ना कहीं कल से शहीद स्मारक पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ छात्रों के साथ में धरना स्थल पर मौजूद, हम बात करते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से। सर, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से सरकार ने तैयारियाँ की थी रीट परीक्षा के लिए, तमाम दावे किए थे, वो दावे पूरे फैलत हो निकले, दावे खोखले निकले, इतनी व्यवस्था करना एक दिखावा सा लगा, और जहाँ पुलिस और सरकारी कर्मचारी अधिकारी पेपर लीक करने में इन्वॉल्व हो तो उस सरकार का कोई भरोसा राजस्थान की जनता नहीं करती। और ये स्पष्ट है कि जब छः छः अधिकारियों को सस्पेंड किया है तो पेपर लीक हुआ है, तो पेपर जेईन का लीक हुआ, पेपर सब इंस्पेक्टर का लीक हुआ, पेपर रीट का लीक हुआ, यहाँ तो नीट तक का भी पेपर लीक हुआ राजस्थान में। तो एक बड़ा सरगना, बड़ा ग्रुप चारों तरफ यहाँ राजस्थान में वर्षों से ये काम कर रहा है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि एसओजी जो है, कोई बड़ा हाथ निकला तो एसओजी कार्रवाई नहीं कर पाएगी, जिसकी संभावना है बड़ा हाथ निकलने की। तो ऐसी सीबीआई की जांच हो, पुनः परीक्षा हो, सारी परीक्षाएं रद्द हो, और एक सख्त कानून विधानसभा में लाया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण के तहत ही सारा जो मामला हुआ, ऐसा तो सीधा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो गलत काम करने वाले हैं कहीं ना कहीं तो किसी स्तर का प्रोटेक्शन तो उनको होता ही है, तो ये तो जांच से ही पता लगेगा, और वो भी सीबीआई पता कर पाएगी। सर, पेपर लीक मामला आज का मामला नहीं है, बीजेपी है चाहे कांग्रेस, कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है, तो आज के युवा हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर इतनी तैयारी करते हैं, गरीब वर्ग से भी आते हैं, मध्यम वर्ग से भी आते हैं और अच्छे परिवार से भी आते हैं, लेकिन जो युवा हैं सीधे तरीके से एग्जाम देना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मामले होते हैं उनका जो सपने हैं उनके सपने टूट जाते हैं, सपने चूर चूर हो जाते हैं, और सपने चूर चूर हो गए, और तो अब इसमें व्यवस्था के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खतरा है, इसलिए गहलोत साहब को इसको भाप कर इन हमारी मांग पर चिंता करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। किसान, युवा, आमजन सबके लिए एक आवाज़ है किरोड़ी लाल मीणा, जो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को आगे रखते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सर, अब क्या किरोड़ी लाल मीणा जी को हर आमजन के लिए, युवा के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्या सरकार सीधे तरीके से कुछ नहीं करेगी? मैं सदा दीनहीन गरीब किसान युवा जो भी मेरे पास दीन दुखी आएगा, शुरू से करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए और अपने स्तर पर कार्रवाई कर देना चाहिए, लेकिन जब सरकार गड़बड़ करे तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना मेरी आदत बन गई है, मेरे संस्कार में है, और वो मैं करता हूँ। वर्ग विशेष, सांप्रदायिक चीज़ें, आपने ऐसे ऐसे मामले सुलझाए हैं जिन पर कहीं ना कहीं हो सकता था, अगर बड़ा विवाद भी पैदा हो सकता था, तो जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, जिस तरीके से हर कोई आपके पास आता है, तो एक उम्मीद की किरण की तरह आपको देखा जाता है कि जहां अगर समस्या है तो किरोड़ी लाल मीणा जी के पास जाएंगे। ऐसा एक विश्वास पैदा करने में सफल हुआ हूं, और प्रयास यही करता हूं कि मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरूं। हाल ही में आपने मुद्दा उठाया है आगर रोड पे जो अवैध निर्माण का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं रफीक खान है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आप पे हमला किया है, आप पे उन्होंने बोला कि ये जो वो लगाया गया, आरोप लगाए वो झूठे हैं। आरोप तो वैसे तो बेबुनियाद है, मैं ये धंधे करता नहीं हूँ, मेरे पास तो कहीं यहाँ ज़मीन भी नहीं है जयपुर में, वो पता नहीं उन्होंने क्यों लगाया, लेकिन वो कोई दर्जनों कॉलोनी वहाँ पर बस गई, कोई 15-20 किलोमीटर के एरिया में, वो भी इकोलॉजिकल जोन में, तो ये तो बड़ा मुद्दा है, और मैं इसमें माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी से मिला हूँ, 2 बार JDC से मिला हूँ, मेरा कोई काम था नहीं, लेकिन माननीय रफीक जी ने राजनीति में चलता है, उन्होंने आरोप लगाए, भले उसकी जांच करा ली जाए, अगर उसमें मैं कहीं पाया गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं ये काम नहीं करता। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इन्होंने हमारे साथ तमाम मुद्दे पर बात करी, साथ ही कहा कि जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, और सरकार पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। कैमरा पर्सन रजत के साथ वर्चुअल डाकिया जयपुर।